हेलो स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th में एक्सरसाइज नंबर 9.5। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये IQ का फॉर्मूला है, जहाँ पर मेंटल एज होती है वेयर MA इज द मेंटल एज एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज इफ एटी इज लेस देन IQ इज लेस देन इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप 12 ईयर्स चिल्ड्रन। फाइंड द रेंज of their mental age के लिए आपको एक फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम दे रखी है सॉल्यूशन में। देखिए, तो ये आपको दे रखी है 80 मिनिमम, ये भी क्लोज्ड में, और 140 मैक्सिमम, ये भी क्लोज्ड में, क्योंकि दोनों पे इक्वल आ रहा है। ये IQ की रेंज है, IQ बिलोंग्स। आपको मेंटल एज के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी। 12 ईयर्स हमें मिला हुआ है, तो CA की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, तो IQ का फॉर्मूला बन गया MA अपॉन 12 इंटू 100। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगाएंगे, पहली कंडीशन क्या है, 80 से लेस और इक्वल है, MA अपॉन 12 इंटू 100 इज लेस देन इक्वल सॉरी ग्रेटर आएगी ग्रेटर देन इक्वल 80। ठीक है, तो MA इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 80 इंटू 12 अपॉन 100, 4 जा 8, 2 5 जा 10, MA कितना हो जाएगा, MA इज ग्रेटर और इक्वल 48/5। दूसरा 80 क्यों लगाते हैं, अगेन 80 क्यों, सेकंड 80 क्यों क्या कहता है, MA/12 × 100 यही रहेगा, लेस देन इक्वल कितना है 140। टू सेवन जा 2 5 जा, MA इज लेस देन इक्वल कितना हो गया 84/5। ठीक है, तो इसका मीन्स हुआ कि MA इज लेस देन 84/5 एंड ग्रेटर देन ऑफ 48/5।
फाइव से डिवाइड कराएंगे, फाइव नाइन जा 45, कितना बचता है 3, फाइव थ्री जा 15, फाइव सिक्स जा 30, ठीक है, लेस देन एम ए, फाइव वन जा 5, कितना बचता 3, फाइव सिक्स जा 30, कितना बचता 4, फाइव एट जा 40। तो इसका मीन्स हो गया कि एम ए बिलोंग्स क्लोज्ड इंटरवल 9.6 टू 16.8, ये आएगा, ठीक है, ये लिखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एम ए बिलोंग्स 9.6 टू 16.8। क्वेश्चन को समझने के बाद किसी 12 साल के बच्चे की आईक्यू का फॉर्मूला एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 से दे रखा था, जहाँ पर एम ए क्या होती है, मेंटल एज होती है, एंड सी ए क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है। अगर आईक्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो दे रखा हो 80 इज लेस देन इक्वल टू आईक्यू इज लेस देन इक्वल टू 140 12 साल की एज के लिए, तो ये आपके फॉर्मूला जनरेटेड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.6 से लेकर के और 16.8 तक इसका मेंटल एज का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में, ओके स्टूडेंट्स।